जो आज हमने शुरू करना है, हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सेकंड ईयर की। केमिस्ट्री हम लेके जा रहे हैं पार्ट टू की। सेकंड की केमिस्ट्री को हम बेसिकली दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, एक का नाम होगा ऑर्गेनिक और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक। तो इसमें इसको जो हमने डिवाइड करना है वो इसका पहला पोर्शन आएगा और इसका ये जो मेजर पोर्शन होगा ये होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद इसका जो माइनर पोर्शन है नंबर दो पे आएगा, इसको नाम दे देंगे इनऑर्गेनिक। क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसको हमने अलग अलग स्टडी करना है। पेपर में जो आपका मेजर पोर्शन आएगा वो आएगा ऑर्गेनिक से, और ऑर्गेनिक में चैप्टर्स टोटल जो हमारे पार्ट टू के चैप्टर है टोटल वो है 16 टोटल चैप्टर्स, और इन टोटल चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक ये पोर्शन आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके बाद जब हम आएंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक ये वाले होंगे इनऑर्गेनिक। ये कौन से होंगे? इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। और इसके बाद अब हमने बात करनी है चैप्टर नंबर 14 की, इसको हम नाम दे देंगे पॉलीमर केमिस्ट्री का। इसके बाद जब हमने आना है चैप्टर नंबर 15, ये आएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर आ जाएगा चैप्टर नंबर 16, वो होगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। वो कौन सा आ जाएगा? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मैंने इस तरह के पहले बताया है कि हमारा जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है ये इसका मेजर पोर्शन है, और ज्यादातर पेपर भी आप लोगों को यहीं से आएगा। अच्छा, इसके बारे में ये है कि जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक के या जिस स्टूडेंट ने ऑर्गेनिक के तमाम चैप्टर्स कर लिए उसके तीनों लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएंगे, उस बच्चे की लॉन्ग क्वेश्चन की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो हमने आज करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। किसको करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक को शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको हम कहेंगे ये होगी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals organic chemistry is the branch of chemistry। हमने यहाँ पे क्या कहा है? organic chemistry is the branch of chemistry। अब इस branch में हमने करना क्या होता है? इसमें हमने study करना होता है organic compounds को। इसको study करना होता है organic compounds को। वो branch chemistry की जिसमें हम organic compounds की study करेंगे वो क्या कहलाएगी? organic chemistry कहलाएगी। अब जब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं तो हम आ जाते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। तो हमने ये करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएगा कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब इसको मैं ये ऑर्जन कर देता हूँ, इसको कह देता हूँ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। और वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट ना आए, मैंने क्या बोला है कि वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आता हम उसको नाम दे देते हैं हाइड्रोकार्बन का। वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो हम इसको ये कर देंगे, ये बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद नंबर दो आ जाएगा हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में।
और उसके बाद नंबर दो हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। पहला जिसका ये वाला पॉइंट आ जाएगा कि हम हाइड्रोकार्बन को लेके चलेंगे, और उसके बाद दूसरा आ जाएगा वो आ जाएगा डेरिवेटिव। क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव। अब किसका डेरिवेटिव आ जाएगा? हाइड्रोकार्बन का। किसका डेरिवेटिव आ जाएगा? हाइड्रोकार्बन का। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो हमने ये बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होंगे जो जिसके अंदर आया था कार्बन, हाइड्रोजन और उसका डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन हम इसको कहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को। तो हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को जब लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। और वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करनी है हम उसको नाम दे देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। अब जब इसकी जाते हैं नॉर्मल परिस्थितियों में, जो हमारा बेसिक पोर्शन है वो ऑर्गेनिक का है, तो हमने यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करने हैं उसमें नंबर एक जो हमने कंपाउंड लेना है, जो आपकी बुक के ऊपर भी दिया गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें नंबर एक आ जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हम लेके आ जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इसके बाद आ जाएगा अल्कोहल, फिनोल। और इसके बाद जो अल्कोहल फिनोल के बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा उसको हम नाम दे देंगे ईथर। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन के बाद आ जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद आ जाएगा अल्कोहल, उसके बाद फिनोल, आगे आ जाएगा ईथर। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये एक पूरा लंबा चैप्टर है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा उसमें हमने स्टडी करना है कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। इसको स्टडी करना है कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। और जो नेक्स्ट आ जाएगा वो यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन यहाँ पे आ जाएगा? कौन सी चीज यहाँ पे आ जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो चंद एक मैंने कंपाउंड राइट किए हैं, एक्चुअल में इन सब कंपाउंड को हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो इन कंपाउंड को स्टडी करने से पहले हम इसका बकायदा यहाँ पे करते हैं नोमेनक्लेचर, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस कंपाउंड को हमने कौन सा नाम देना है। बात समझ आ रही ना कि हमने क्या काम करना है? ये देखना है कि किस कंपाउंड को हमने कैसे नाम देना है, उसको हम नाम दे देंगे नोमेनक्लेचर का। जी, अब हम अभी करके आए हैं कि हमने तमाम कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर करनी है, और नोमेनक्लेचर करने के लिए हम शुरू कर देते हैं हाइड्रोकार्बन से। किसे शुरू कर देते हैं? हाइड्रोकार्बन से शुरू इसको कर देते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में जो आपकी बुक ने जिस तरह इसको डिवाइड किया हुआ है, मैं भी उसी तरह लेके चलता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है? मैं अभी बोल के आया हूँ कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, नॉट एनी अदर एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे जो हम लेके आते हैं इसकी टाइप्स को, तो नंबर एक पे आ जाएगा, इसकी टाइप में नंबर एक आ जाएगा अल्केन, जो कि हाइड्रोकार्बन की एक क्लास होगी। उसके बाद नंबर दो पे हम लेके आ जाएंगे अल्कीन्स को, और नंबर तीन पे आ जाएगा अल्काइन्स। हमने कौन कौन सी क्लास कर दी है पढ़ी है अभी? अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइन्स। तो जो अल्केन होते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है कॉमन फॉर्मूला, वो आ जाएगा CnH2n, साथ आ जाएगा +2। और इसके बाद जब हमने करना है अल्कीन को, तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा Cl, आगे आ जाएगा H2n। और इसका जो फार्मूला होता है अल्काइन का, वो आ जाएगा CnH2n और साथ आ जाएगा -2। तो ये इस प्रकार के थ्रू हमने किसी भी कंपाउंड को नाम देने से पहले इसकी फैमिलीज के बारे में जानना लाजमी था। अब हम शुरू करते हैं अल्केन्स को। तो अल्केन्स को करने के लिए हम ये कहेंगे कि अल्केन्स होते कौन से हैं। एक्चुअल में अल्केन्स को जब हम देखोगे ना हाइड्रोकार्बन को, तो यहाँ उसके बाद वापस अल्केन की तरफ आएंगे। जब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स को
हम दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। कितनी क्लासेस में डिवाइड करेंगे? बेसिकली दो क्लासेस में लेके जाएंगे। एक तो आप नाम दे दोगे सैचुरेटेड। क्या नाम इसका होगा? पहले का नाम होगा सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं? इसको हम ये कर देंगे कि यहां पे जब होती है कार्बन टू कार्बन जब बॉन्ड बनता है, क्या होता है? कार्बन टू कार्बन जब भी बॉन्ड बनता है, जो कि आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, आपने 10th क्लास में लिया कैटिनेशन का, कि वहां पे कैटिनेशन में क्या होता है। पहले मैं कैटिनेशन की बात करता हूं, तो कैटिनेशन में ये होता है कि जितनी भी आपके पास होती है लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स, उसमें ये होता है सेल्फ लिंकिंग। क्या आ जाएगा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, इसको हम नाम दे देंगे, ये क्या कहलाएगा? कैटिनेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये होता है कि कार्बन एक दूसरे के साथ मिलने के बाद एक लंबी चेन बनाते हैं, और अगर उस लंबी चेन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। या हम इसको ये करेंगे कि अगर इसमें जो कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई की गई होगी, तो ये कहलाएगा सैचुरेटेड। कौन सा कहलाएगा? सैचुरेटेड कहलाएगा। और उसके बाद नंबर दो हम आ जाते हैं, ये आ जाएगा अनसैचुरेटेड। ये यहां पे क्या आ जाएगा? अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में हमने ये करना है कि इसमें कौन सी क्लास आ जाएगी? इसमें ये क्लास आ जाएगी कि जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आ सकते हैं। नंबर एक आ सकता है डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ सकता है? डबल बॉन्ड। या नंबर दो पे हम करेंगे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, हम उसको नाम दे देंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वो क्या कहलाएगा? उस कंपाउंड को हम नाम दे रहे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। तो अगर हम देख लेते हैं कि सैचुरेटेड कौन से हैं और अनसैचुरेटेड कौन से कंपाउंड हैं, तो इसके अंदर जब हमने कहा है कि जो अल्केन्स होते हैं ये होंगे सैचुरेटेड, ये क्या होंगे? सैचुरेटेड होंगे। यानी कि इसके अंदर जितनी भी कंपाउंड्स होंगे, हर कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड यहाँ पे होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और उसके बाद जब हमने देखना है इन दोनों क्लासेस को, हमने ये कह दिया है कि एल्कीन है या अल्काइन है, तो यहाँ पे जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आ जाएगा वो डबल आएगा या ट्रिपल आएगा, जैसा कि एल्कीन में डबल होगा और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम इसको नाम दे रहे हैं अनसैचुरेटेड। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? अनसैचुरेटेड का। तो जो अभी हम करने जा रहे हैं अल्केन, अल्केन एक्चुअल में कौन सी क्लास है? सैचुरेटेड कंपाउंड की ये क्लास है। अल्केन क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड की ये एक क्लास है। जो हम इसको जब लेके चलते हैं, तो अल्केन्स के पहले हम नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड अल्केन होगा और उसके अंदर कितनी कार्बन होंगे, तो उसका नाम क्या होगा, और उसके बाद हम इसका नाम देने की तरफ आएंगे। खैर, वो जो नाम देने का काम होगा उसके लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें इसको डिटेल के साथ करेंगे। आज जस्ट हमने ये करना है कि अल्केन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अल्कीन्स को कैसे करेंगे और अल्काइन्स को कैसे करेंगे बाय नेम। तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे ये है कि अल्केन के नाम के एंड पे आ रहा है ANE। क्या आ रहा है? ANE यानी एन। और अगर जिस कंपाउंड के नाम के एंड पे ANE आएगा, हम उसको नाम दे देंगे बिलोंग करेगा अल्केन फैमिली से, किस तरह से बिलोंग करेगा? अल्केन फैमिली से। उसके बाद अगर नाम के एंड पे ENE आता है तो बिलोंग करेगा अल्कीन फैमिली से, यानी कि इसके जो लास्ट थ्री लेटर्स हैं ये वाले। और YNE अगर आएगा तो ये क्या होगा? अल्काइन होगा। ANE और अल्काइन, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या हमारे पास जो कंपाउंड है वो कौन सी फैमिली से।
बिलोंग करता है, वो अल्केन है, वो अल्कीन है या वो अल्कान है। अब इसके बाद हम आते हैं अल्केन्स की तरफ। तो अल्केन्स में हम ये करेंगे कि हमारा जो होगा स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मेंबर, उसके अंदर जो कार्बन आएंगी वो हो सकती है वन। कितनी कार्बन यहाँ पे आ सकती हैं? अल्केन में जो सबसे छोटा मेंबर होगा उसके अंदर कार्बन आएगी जस्ट वन। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे अल्केन्स की और अल्काइन्स की, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट मेंबर आएगा दैट कंटेनिंग टू कार्बन एटम्स, उसमें कितने कार्बन एटम्स आ जाएंगे? दो कार्बन एटम्स आएंगे। क्यों आएंगे दो? क्यों आगे चाहिए? तो उसके लिए ये है कि वहां पे आता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आता है? कार्बन टू कार्बन आएगा डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड उस वक्त लगा सकेंगे जब हमारे पास कम से कम दो कार्बन एटम होंगे। तो उसके लिए हम कहेंगे कि दो कार्बन वाला सबसे छोटा मेंबर होगा एल्कीन का भी और अल्काइन का भी। अब हम आते हैं कि किस मेंबर को क्या नाम देंगे अल्केन में, उसके बाद अल्कीन में, उसके बाद अल्काइन में। तो अगर हम ये बात कर लेते हैं, इधर हम कर लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद हम उसको ये देखेंगे कि वो अल्केन में क्या कहलाएगा और अल्कीन में वो क्या कहलाएगा। इसके बाद वो अल्काइन फैमिली में क्या कहलाएगा, इसको हमने करना है। तो जो अल्केन, अगर कार्बन होगा एक वाला तो हम उसको नाम दे देंगे मीथेन। क्या वो कहलाएगा? मीथेन कहलाएगा। नाम के एंड पे ए यानी आ रहा है, और मैंने यहां पे कहा कि इसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर होगा वो होगा कम से कम दो कार्बन वाला। इट मीन इसका वन वाला भी नहीं होगा, इसका वन वाला भी नहीं होगा। इसके बाद तब दो कार्बन की बात करेंगे, तो इसी तरह इस आगे हमने तीन कार्बन की बात करनी है, चार की बात करनी है, पांच की बात करनी है, आगे छह की बात करनी है, इस तरह और भी बातें चलेंगे, दस तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा इथेन। क्या यहाँ पे होगा? इथेन होगा। और इस तरह मैंने पहले बताया इसके नाम के एंड पे क्या है, ईन आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इथीन। क्या बन जाएगा? इथीन। और इसके नाम के एंड पे क्या आएगा? आइन आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? इथाइन। क्या बन जाएगा? इथाइन। इस तरह ये बन जाएगा प्रोपेन। और इसकी जब हम बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपीन। ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। तो इसी तरह ये बन जाएगा चार तक वाला ब्यूटेन होगा, तो ये ब्यूटीन वो ब्यूटाइन हो जाएगा। ये पांच कार्बन वाला यहाँ पे हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा यहाँ पे पांच कार्बन वाला? पांच कार्बन को हम नाम दे देंगे पेंटेन का। और इस पेंटेन के बाद उसके इधर जब हम आएंगे तो ये कहलाएगा पेंटीन और ये कहलाएगा पेंटाइन। क्या कहलाएगा? पेंटाइन कहलाएगा। इसके बाद हम आएंगे आगे सिक्स कार्बन का। सिक्स कार्बन में हमने क्या काम करना है? सिक्स कार्बन में उसी तरह आगे जिस तरह हमने बात की है फाइव कार्बन की, तो वो हेक्सेन है, सॉरी फाइव कार्बन पेंटेन। सिक्स कार्बन क्या होगा? वो वाला हेक्सेन होगा। सिक्स कार्बन क्या होगा? हेक्सेन होगा। और उसके बाद हेक्सेन के बाद हेक्सीन और आगे आ जाएगा हेक्साइन आ जाएगा जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिक्स कार्बन की, तो सिक्स कार्बन को हम नाम दे देंगे हेक्सेन और ये बन जाएगा हेक्सीन और इसके साथ क्या आ जाएगा? हेक्साइन आ जाएगा। इसी तरह जब सात होंगे तो ये कहलाएगा हेप्टेन। ये क्या कहलाएगा? हेप्टेन। और ये बन जाएगा हेप्टीन और ये बन जाएगा हेप्टाइन, वाई एन ई इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह आठ कार्बन होंगे तो ये बन जाएगा ऑक्टेन। अगर नाइन कार्बन होंगे तो ये बन जाएगा नोनेन। और अगर यहां पे दस कार्बन आ जाएंगे तो ये बन जाएगा डीकेन। उसी तरह इसके साथ आ जाएगा ईन, नोनाइन, डिकाइन, इस तरह से करके इसके नाम भी
लीनियर मेथड में चलते जाएंगे। तो ये एक जो हमारा छोटा सा सिग्नल सा लेक्चर था, इसमें हमने कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना सीखा और उसके बाद हमने कहा कि कौन सी कार्बन कितनी कार्बन आएंगी, उसका नाम क्या होगा, एल्केन में क्या होगा, एल्कीन में क्या होगा और एल्काइन में क्या होगा। इसके बाद हमने हेटेरो कार्बन देखा, सैचुरेटेड कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड कौन सा होता है, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि एल्केन का फार्मूला बताइए, ये कॉमन फार्मूला एल्कीन का और एल्काइन्स का। तो ये हमने आज कर लिया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हम इसको नाम कैसे देते हैं।